नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस प्राइम डिबेट में। मैं हूं शिवम यादव। उत्तर प्रदेश में लगातार बेरोजगार युवा अपनी मांओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षक भर्ती में कथित आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास को घेर लिया। कुछ ही समय में पुलिस ने लाठी के सहारे अभ्यर्थियों को वहां से खदेड़ तो दिया, लेकिन वहां पड़ी तख्तियां ये बता रही हैं कि अभ्यर्थियों को इंसाफ की आस और दरकार सरकार से ही है, तभी वो बार बार लाठी जरूर खा रहे हैं लेकिन अपने हौसलों की उड़ान को नीचा नहीं कर रहे। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम आज की चर्चा शुरू करेंगे। इस 69,000 शिक्षक भर्ती में साफ साफ हमारे आरक्षण का हनन बताया है, इसमें 27% और 21% नहीं दिया गया। केशव प्रसाद मौर्य के पास जाएंगे हमारे पिछड़े समाज के नेता, वो हमको न्याय देंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद सारे पुलिस वालों ने सबको बस में बैठाया और फिर हमको क्या किया, उन्होंने बस से खींच लिया। बस से खींचने के बाद हमारी बहुत पिटाई की। चुनावी माहौल में सिर्फ विपक्ष ही रोजगार के मुद्दे पर सरकार को नहीं घेर रहा है, बल्कि युवा भी इसे लेकर दबाव बना रहे हैं। शिक्षक भर्ती से लेकर पुलिस भर्ती तक के अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। विपक्षी भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए युवाओं के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बेसिक शिक्षा निदेशालय पर 21 जून से शुरू हुआ प्रदर्शन अभी तक जारी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग के अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो गया है। इसी कड़ी में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास के बाहर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले के अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। उनके हाथों में कथित आरक्षण घोटाले से संबंधित तख्तियां थीं, जिसमें 27% और 21% आरक्षण की मांग को पूरा करने की बात कही गई थी। अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन न होने का आरोप लगा रहे हैं। बता दें, भर्ती में घोटाले का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश की राजधानी में कई दिनों से अलग अलग स्थानों पर धरना दे रहे हैं। कालिदास मार्ग पहुंचकर अभ्यर्थियों ने सड़क पर लेटकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी डिप्टी सीएम के आवास के मेन गेट तक पहुंच गए। बता दें कि यहीं पर सीएम योगी का आवास भी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने अभ्यर्थियों को वहां से बलपूर्वक हटाया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आरक्षण के अनुसार ओबीसी उम्मीदवारों की कुल संख्या 69,000 रिक्तियों की कुल सीटों का 27% होंगी, यानी 18,598 सीटें ओबीसी उम्मीदवारों के लिए होंगी। लेकिन राज्य द्वारा दिए गए कट ऑफ प्रतिशत के आधार पर इस गणना के अनुसार कुल सीटें ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 2637 हैं। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को ओबीसी उम्मीदवारों की सीटों पर समायोजित करने का भी आरोप अभ्यर्थियों ने लगाया है। आइए आपको सुनाते हैं कि घायल अभ्यर्थी और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का क्या कुछ कहना है। जनरल के बच्चे अधिक हुए हैं, ओबीसी के बच्चे कम हुए हैं। क्यों, ओवरलैप नाम का कोई चीज है? संविधान ने आरक्षण बनाया है, उसमें जो युवा की सीटें हैं उसमें ओबीसी एससी एसटी विकलांग तमाम तरीके के आरक्षण है, उनको ओवरलैप करना चाहिए। लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ आरक्षण का गमन कर रही है और सिर्फ शिक्षक भर्ती ही नहीं है, तमाम ऐसी भर्तियां हैं। और आप सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जो उप मुख्यमंत्री पिछड़ों के नेता अपने आप को कहते हैं, जब उनके आवास पर धरना प्रदर्शन करते हुए वार्ता करने गए, मांग करने गए, तो उप मुख्यमंत्री जी को चाहिए था इनसे वार्ता करें, इनकी समस्या का निस्तारण। बजाय उसके लहूलुहान कर दिया, मार के सर फोड़ दिया, चोटें आई। बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती लगातार चर्चा में बनी हुई है। पहले अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद सरकार ने बकायदा समारोह कराकर हर जिले में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे थे। वहीं उसके बाद नियुक्ति में घोटाले का आरोप लगा था।
फर्जी मार्कशीट के सहारे लोगों ने नौकरी हासिल कर ली थी और अब कथित आरक्षण घोटाले का आरोप सरकार के लिए सिरदर्द बनने वाला है। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि आरक्षण के हिसाब से सीटों का आवंटन किया जाए। विपक्ष भी इस मांग को लेकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। बड़ी बात यह है कि आंदोलनरत अभ्यर्थी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास के बाहर पहुंच गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को लाठी के बल पर हटा तो दिया, लेकिन डिप्टी सीएम के आवास के बाहर जिस तरह से प्रदर्शन हुआ और आंदोलनरत अभ्यर्थी जिस तरह से चोटिल हुए हैं, उससे यही लगता है कि आंदोलन थमने वाला नहीं है और 2022 के चुनाव से पहले चाहे शिक्षक भर्ती हो या पुलिस भर्ती, बेरोजगार युवा सरकार से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने आज इंसाफ की मांग की और ये साफ तौर पर कहा है कि जो भी घोटाला सरकार में हुआ है उसकी जांच की जाए और जो उनकी मांगे हैं उनको माना जाए। तो भर्ती में कथित जो आरक्षण है उसके घोटाले को लेकर आज केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर प्रदर्शन किया और साथ ही साथ वहां पर पुलिस ने भी अपना बल प्रयोग किया और उन अभ्यर्थियों को वहां से खदेड़ने की कोशिश की और उन अभ्यर्थियों को खदेड़ा भी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर अभ्यर्थी साफ तौर पर अपनी मांग रखते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो आरक्षण घोटाला 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ है और जिस तरह से पिछड़ा आयोग ने इस बात की पुष्टि भी की है कि कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में ये घोटाला हुआ है, जिसके बाद सरकार को भी जवाब देना चाहिए और सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए आज केशव प्रसाद मौर्य के घर पर उनके आवास के बाहर यह प्रदर्शन किया गया। तो सवाल सिर्फ 69,000 शिक्षक भर्ती का नहीं है, सवाल उन नौजवानों का है जो सालों साल नौकरी की आस में न जाने कितने ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाकर तैयारी करते हैं और सालों तक सिर्फ इस इंतजार में बैठे रहते थे उन्होंने जो परीक्षा दी है उसका परिणाम आएगा और उनको नौकरी मिलेगी। आज की हम चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आकाश राय जी जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाश जी। कांग्रेस की तरफ से रफत फातिमा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रफत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए कपीश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं और वहीं अभ्यर्थी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं गौरव, वो भी अपनी बात रखेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आकाश जी। आप भी नौजवान हैं और नौजवान किस तरह से आज नौकरी को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, क्या लगता है आपको? मैं आपका ओपनिंग कमेंट चाहूंगा इस तरह की तस्वीरें। नहीं देखिए, लोकतंत्र है देश में और लोकतंत्र में सबको अपना प्रदर्शन करने का, अपना आंदोलन करने का अधिकार है और लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है उसका साफ मानना है कि कोई भी हो, सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थी हो या कोई भी हो, अगर किसी को कोई समस्या है तो सरकार उस पर उनसे संवाद करती है, उनकी बातों को सुनती है और उसको निस्तारण करने का प्रयास करती है। तो निश्चित रूप से अगर कहीं कोई समस्या है तो उसको निस्तारित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार तत्पर है और अभी मुख्यमंत्री जी ने लगभग 15 दिन पहले ये बात बोला भी है कि जिन भी विभागों में जो पद रिक्त हैं उन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाए और उस पर सरकार पूरी फोकस्ड है और उसको करेगी। बिल्कुल, 4 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया जो जिनकी बात कही जाती थी वो पूरी नहीं हो पाई। कपीश जी, मैं आपसे आपका ओपनिंग कमेंट चाहूंगा, इस तरह की तस्वीरें किस ओर इशारा करती हैं? देखिए, इस तरह की तस्वीरें इस ओर इशारा करती हैं कि जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं उसमें जो हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं उन्होंने किसानों से भी ज्यादा आत्महत्याएं की और ये देश का भविष्य। तो सबसे बड़ी चीज, इन्होंने अपनी योग्यता साबित की, परीक्षा भरी, परीक्षा क्वालिफाई किए, 67,000 शिक्षकों और
कमी आपकी तरफ से रही, पहले आपने तीन चार गलत क्वेश्चंस के आंसर कर लिए, एक विवाद हुआ। दूसरा, आपने जो शिक्षा मित्रों और वो मिला करके जो था मेरिट का, वो आपने विवाद किया क्योंकि आपने मेरिट दो दो बार स्थिति पर। उसके अंत में इन्होंने आरक्षण के अंदर कहीं ना कहीं घोटाले कर दिए। तो ये तो इनके सरकार ने जानबूझ करके ऐसा किया कि ये मामला उलझा रह जाए, और वो उलझा हुआ है। और जो स्वीकृत हो गया उनको भी तो ये ज्वाइनिंग नहीं करा रहे, जो क्लियर हो गए उनकी ज्वाइनिंग कहां करा रहे। ये है कि लाठी डंडा भरपूर बरसा रहे हैं। चीज ये है कि एक तो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारे पास जो है नौकरियों की कमी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योग्यता का अभाव है। एक तरफ वो हमारे लोगों को ये कहते हैं, हमारे यूथ को, कि उनमें दम नहीं है उन पदों के लिए, और बाद में जब यूथ यही मोमबत्ती लेकर के आईना दिखाता है इनके अगेंस्ट, तो ये अमेरिका तक नौकरी दिलाने लगती है। अरे भैया, पहले 67,000 को क्लियर कर दीजिए। तमाम और रिक्तियां हैं जो फंसाए हुए हैं आप, कुछ हम लोग के समय की रिक्तियां हैं जिसमें कोषागार वाले भी हैं, तो आप ये बताइए उसमें भी बच्चे तमाम भर्तियां जो लटकी हुई हैं। अब इस वक्त मैं रफत फातिमा जी की तरफ जाना चाहूंगा। रफत जी, तमाम सरकारें आई गई, आपकी भी सरकार थी केंद्र में, केंद्र की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए गए वो हम सभी ने देखा। इस तरह की तस्वीरें आपकी नजर में किस ओर इशारा करती हैं? ओपनिंग कमेंट। लखनऊ की सड़कों पे जिस तरीके से आज हमारा होनहार युवा पीटा गया है, जिस तरीके से हमारी जो महिलाएं हैं उनके बाल घसीट के पुलिस ने बर्बरता दिखाई है, वो बेहद शर्मसार कर देने वाली है। आखिर ये पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि है, केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि कहलाते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कर नहीं रहे जो उनको करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी वो निभा नहीं रहे। जब उनके दर पे ये बच्चे गए, जब अपनी मांगे उठा रहे थे, अभी आकाश जी ने कहा संवाद, इनके यहाँ ये पूछे संवाद होता भी है किसी से? इनके संवाद की प्रक्रिया है ही नहीं। अगर संवाद ही होता तो स्थितियां ऐसी क्यों आती? आज जिस तरीके से हालात बना दिए गए लगातार घोटाले, जब बच्चे पढ़ लेते एग्जाम दे लेते हैं तो उसके बाद उनको भर्तियां नहीं हो रही हैं। तो ये इतने लंबे लंबे तरीके से जो अटकाया गया है, वो बच्चे कहाँ जाएं? वो जाहिर है अपनी मांगे लेके सड़कों पर आएंगे। तो आज वो लोग यही मांगे लेके सड़कों में बैठे, तो उनको पुलिस द्वारा कभी जो है लाठी से डराया जा रहा है, कभी जेल से डराया जा रहा है। तो ये क्या स्थिति बना दी? लोकतंत्र में क्या यही होता आकार जी? जो आप अभी बताए लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, तो लोकतंत्र में बात कहने का हक है तो कम से कम उनको जो है उनकी बात सुनी जाए, उनसे संवाद किया जाए। क्यों ऐसी स्थितियां आ रही है जो बच्चों को इस तरीके की आवाज उठाना पड़ रही है? ये भर्तियां आज के नहीं, इसमें घोटाला है। इसमें तो उन्होंने राष्ट्रीय जो उनका क्या ना पिछड़ा आयोग था उसमें उन्होंने ये शिकायत करी थी। शिकायतकर्ता के आधार पर जो घोटाले नजर आए, तो सरकार से जवाबदेही मांग रहे हैं, इसकी जवाबदेही सरकार भी बनती है। तो आज स्थितियां इतनी बदतर होती जा रही है कि अब हर वर्ग देख लीजिए सड़कों पर है, चाहे पुलिस भर्ती का मामला हो, चाहे शिक्षक भर्ती का मामला हो, माध्यमिक बेसिक हर तरीके के लोग जो है आज इको गार्डन देख लीजिए जाके हर वर्ग अलग अलग बैठा हुआ है। तो ये क्या स्थितियां बना रखी? जब आप कहते हैं हम नौकरी देंगे, हमने बेरोजगारों के लिए करा, तो सिर्फ ये टीवी और होर्डिंग और बैनर में बनाने के लिए सब तमाशे बना रखे हैं? ये भी सवाल पूछा जाएगा। आकाश जी अभी हमारे साथ हैं। गौरव, सरकार कह रही है कि हम आपसे बात करने को तैयार हैं, फिर ये नौबत प्रदर्शन की क्यों आ गई? जी, सबसे पहले तो सर मैं प्राइम टीवी के जो भी हमारे आपकी टीम के जो भी लोग हैं उनको मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा जो उन्होंने मेरी आवाज को उठाया। बाकी हम लोगों के पास केवल आप ये समझिए मीडिया ही ऐसा जरिया है जो आज हमारे साथ खड़ा हुआ है। बाकी आप ये सोचिए कि हम लोग दर्द की ठोकर खा रहे हैं, बहुत परेशान हैं। और आप कह रहे सर बात करने की, कह रहे कि जब ये बात कर रहे सर, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आप ये सोचिए कि सर 2019 में पेपर हुआ था, आज पूरे 2.5 साल हो चुके हैं। 2.5 साल से हम लोग जब से ही भर्ती हुई है तब से कुछ ना कुछ मैटर को लेके हम लोगों को बार बार धरना देना पड़ रहा है, हम लोग बार बार आ रहे हैं। अगर सर ऐसी अगर हम लोगों की सुनवाई हो गई होगी तो हम लोग को इतना मजा नहीं है कि वहाँ सर्दियों में एक हमें याद है दिसंबर के टाइम आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होती है। हम तो लड़के थे, हमारे पास 50 लड़कियां ऐसी थी जो वहाँ पे सरवाइव कर रहे थे, हम लोग रोड पे पड़े हुए और हम लोग को बार बार लाठी से मारा जा रहा था उस समय भी। और हम तो चलिए लड़के हैं, लड़कियों को भी भगाया जा रहा था, रात रात हम लोगों ने स्टेशन पे काटी। तो अगर कहीं ना कहीं अगर सरकार अगर सुन रही होती तो हमें नहीं लगता है कि नौबत आने वाली थी। और दूसरी बात यह कि
आज जो नौबत आई है माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ जब हम लोग धरना देने गए तो हम लोग ये सोच के गए की माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी जो है हमारे समाज से आते हैं, हमारी अच्छी सुनवाई करेंगे, तो ये सोच के गए थे क्योंकि एससीईआरटी का हम लोग पिछले 7-8 दिन से पड़े हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, मीडिया वाले लोग आ रहे हैं, आप लोग अच्छे से बात। चलिए गौरव, आपका जवाब देने के लिए आकाश राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जी, ये सिर्फ एक 69,000 शिक्षक भर्ती की बात नहीं है, तमाम ऐसी भर्तियां हैं जो लटकी पड़ी हैं। अगर आपकी सरकार की बात की जाए तो जब से आपने सत्ता संभाली है 2017 से अब तक करीब 24 भर्तियां ऐसी हैं जो यूपी ट्रिपल एससी के जरिए हुई हैं, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं और 22 भर्तियाँ अभी भी लंबित हैं। नहीं देखिए, जो पिछली पूर्ववर्ती सरकारें उत्तर प्रदेश में रही वो जिस प्रकार से जो काम, यार ये समझ नहीं आता आपसे। अगर बेरोजगारी के बारे में पूछा जाता है तो आप पिछली सरकारों पर ठीकरा फूंकते हैं, अगर आपसे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूछा जाता है तो आप पिछली सरकारों पर ठीकरा फोड़ते हैं। उसको पिछली सरकारों पे जाना पड़ता है, उसकी मजबूरी है। हम लोग भी नहीं चाहते कि हम पिछली सरकारों पे जाए, लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो स्थिति पैदा कर दी थी उसको सुधारने में कहीं ना कहीं समय लगता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी नहीं है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हम उस पर मिट्टी डालने का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर कहीं कोई समस्या है, आप अभी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की लोगों ने बात की कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने संज्ञान में लिया, तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग कौन लोग हैं? वहाँ पर केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में जो उसके चेयरमैन हैं या उपाध्यक्ष हैं या सदस्य हैं वो सब लोग भी तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। उन लोगों ने अगर आपकी बात सुनी है और आपकी बातों को सुन के ये कहा है कि नहीं कुछ खामियां रही हैं, कुछ गलतियां हुई हैं, तो उसको हम मानते हैं कि हाँ हुआ है और उसको हम सही करेंगे। हम ये काम नहीं करते हैं कि नहीं जो है उसको कुछ गलत हुआ तो उस पर मिट्टी डाल दो और उसको बंद करो। पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसी कोई एक भर्ती आप मुझे बता दीजिए जो इन्होंने सही से की हो। तो एक तो खुलेआम इनका रेट चलता था कि पैसे लाओ, इतने पैसे लाओ और नौकरी पाओ, और उसमें भी तुष्टिकरण करते थे कि कुछ खास धर्म विशेष के लोग और कुछ जाति विशेष के लोग जिनको नौकरियां मिलती थी, बाकी लोग किनारे रहते थे। उस चीज को हमने बदला है। और मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी की 5 साल की सरकार में इन लोगों ने 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, हमने 4.5 साल में लगभग 4 लाख लोगों को नौकरी दी है, तो एक बहुत बड़ा फर्क है। और अगर जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है तो ऐसा नहीं है कि सारे लोगों का मामला फंसा हुआ है, बहुत सारे लोग जाके उसमें नौकरी कर रहे हैं। कुछ कहीं खामियां रह गई हैं, कुछ गलतियां रह गई हैं, उसको सरकार ने संज्ञान में लिया और उसको हम दूर करेंगे। कपीश जी, आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने भी एक जाति विशेष को केंद्र में रखते हुए, उसको देखते हुए, उसके हितों को देखते हुए भर्तियां की हैं। देखिए आकाश राय जी के पर हम क्या कहें, चीज ये है कि इन्होंने तो बता दिया कि जितने आयोग जो संवैधानिक पद है सब पर भाजपा के लोग हैं। अब इस पर हम क्या तर्क करें बताइए इनसे? खैर हम इस पर तर्क अब नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने जो भी कहा है वो संवैधानिक संस्थाओं को गाली। दूसरी चीज मैं आपको कह दूं कि ये कह रहा है कि समाजवादी पार्टी के समय ठीक 2012 से 2017 हमारी सरकार थी, हम अच्छा काम नहीं किया कैसे भाई, हमको जनता ने बहुमत नहीं दिया, आपके संकल्प पत्र पर विश्वास किया और आपके संकल्प पत्र में था कि 4 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे सरकारी। अगर आप संकल्प पत्र पढ़े हो अपना जी, तो आपको क्रम वाइज में गिना सकता हूँ। आप खोल के बैठ ले और इस समय 4.5 साल चल रहा है तो कम से कम आपको जो है 18 लाख नौकरियां दे देना चाहिए था और आप खुद कह रहे हैं हम 4.5 लाख दिए। जब आपसे पूछेंगे कि 4.5 लाख जो नौकरियां आप दिए हैं और टीवी चैनल पे बैठे हुए हैं तो जरा हमें बता दीजिए कब नौकरी कौन सी आपने 4.5 लाख दी है, कब अधिसूचना जारी की, बता दीजिए कौन सी 4.5 लाख वेतन नहीं सुन लीजिए जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में। मैं पूरी बात कर लूं। देखिए ये बात अभी आकाश राय जी ने भी कही थी कि 4.5 लाख नौकरियां दी गई, हम उसी वही पूछना चाह रहे हैं। नहीं, अगर 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 ये बात पहले हुई होती तो मैं एक एक आंकड़ा लेके आता, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि 1,28,000 के आसपास तो हमने बेसिक शिक्षा में नौकरियां दी हैं, पुलिस विभाग में नौकरियां दी हैं, उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में नौकरियां दी हैं, और ये सिर्फ सरकारी नौकरियों की मैंने बात किया है। उसके अलावा लगभग 6 लाख ऐसे लोगों को नौकरी दी गई है जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमने दिया है, हमने MSME के जरिए लोगों को रोजगार दिया है। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है। फिर ये
ये लोग कौन है जो प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा ना कि प्रदर्शन करना उनका अधिकार है। अगर उनको लगता है कि उनके साथ कहीं कोई गलती हुई है, कोई अन्याय हुआ है, तो वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी बात को सरकार सुन रही है और सुन के उस पर कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। इसमें कोई किसी को संशय नहीं होना चाहिए। जो भी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं या कहीं पर किसी को समस्या है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार खड़ी है। गौरव, जानकारी होनी चाहिए। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ जी कि गौरव, इनसे आप जरा पूछ लीजिए कि ये जो 67,000 या 69,000 की भर्तियां हैं, इसकी अधिसूचना कब जारी हुई थी और इनके वेतन के भुगतान के लिए राजस्व से अकाउंट सेक्शन से कब इनको अनुमति मिली थी जब इन्होंने जारी की, और उससे लेकर के आज तक ये क्यों नहीं दे पाए, ये भी जरा पूछ लीजिए इनसे। और ये 125,000 बता रहे हैं कि इन्होंने शिक्षक भर्ती किए हैं, हमारा क्यों 72,000 जोड़ रहे हो भैया, जो हम दे करके गए उसको हटा दीजिए। पुलिस भर्ती आप हमारी क्यों जोड़ रहे हो? अगर हम उसको वेतन भुगतान के लिए स्वीकृति दे दी, जिसने पद निकाल दिया, जिसने पद निकालने के बाद इम्तिहान करा दिया और आपने फंसा दिया और आप बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। आप बदले की कार्रवाई शिक्षा मित्रों के साथ भी किए थे, आप बदले की कार्रवाई पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ भी कर रहे हैं। प्रदेश की जनता ने 2017 में भी दिया और 2019 में भी दिया। पिछड़े वर्गों के साथ अपने कुत्ते को नहीं बचा पाए। आप लोग आपस में चाचा भतीजा लड़ते रहे, आपके आपके पूरे परिवार के सारे सदस्य लोग हार गए। आप लोग तो निर्वंशी लोग हैं। ये मुद्दे से भटक रहे हैं कपीश जी। और नहीं नहीं नहीं, ये मुद्दे से आकाश जी कपीश जी, हम बात शिक्षा मंत्री जो है ये कपीश जी हम मुद्दे से भटक जाते हैं। हम यहाँ पर चाचा भतीजा और इन सब पर चर्चा करने के लिए आकाश जी नहीं जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं रफत जी आपसे, हम जानना चाहेंगे सरकार 2000 भर्ती क्यों नहीं दे रहे? अरे भाई, आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने खुद आईना दिखाया है। चुनाव में आप 2015 में भी गए, आप 15 साल तक तरीके से हारे और हम चार बार इस प्रांत की सरकार चलाए और आप 15 साल हाथ जोड़ के खड़े रहे। ठीक है, जनता ने विश्वास नहीं किया निश्चित, और इसके बाद हटाएंगी तो 3 साल। लेकिन 2017 में जिसने जो किया उसका जवाब जनता ही देगी। 2017 की अगर बात की है, 2017 में अगर जनता ने समाजवादी पार्टी को जवाब दिया था, 2022 में भी जनता जवाब देगी। कपीश जी रुकिए। रफत जी, 2014 से पहले आपकी सरकार केंद्र में थी और आपको भी इस चीज का सामना करना पड़ा था। आप आज तो छात्रों के साथ खड़ी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले अगर 2014 से पहले की बात की जाए तो आपने भी वही रवैया अपनाया जो आज की सरकारें कर रही हैं। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि कांग्रेस में लोकतंत्र का हमेशा सम्मान हुआ और कभी ऐसी तरीके की घटनाएं नहीं हुई। और दूसरी बात यह है कि जब फुल मैंडेट से ये सरकार आई है तो जनता भी बदलाव चाहती होगी। जनता ने इनको सर आंखों पर बैठा ला था, इसलिए बैठा ला था कि ये हमें कुछ बदलाव देंगे। और युवकों ने खासकर, जैसे ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, इन्होंने मैंडेट में तो बड़ी बड़ी जब अपना वो लाए थे, पूरे तरीके से ये जो अपने वादे करे थे इन्होंने, तो वादे तो बड़े बड़े करे थे, लेकिन आज वादे पे खरा कौन उतर रहा वो सामने दिख रहा है। और अगर हम नौजवानों की बात करें तो जब ये वादे कर रहे थे तो उसको पूरा क्यों नहीं कर पा रहे? सवाल तो आज की सत्ता से, वर्तमान सत्ता से होना चाहिए। वर्तमान में जो सरकार है उससे सवाल होंगे। और अगर हम बात करें कि जैसे ये कह रहे हैं कि जैसे भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद ये सब चल रहा है, वो लेकिन वो आरोप तो आप पर लगा रहे हैं कि आपने जो जमीन तैयार की थी, पीछे से नौकरी, आपने जो जमीन तैयार की थी, आपने जो हालात पैदा किए, इसी वजह से आज की सरकार को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। वो सब जनता अपने समझ चुकी है। जनता पूरी तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने धोखे से अपना जनता को बेवकूफ बनाया, आज जनता समझ रही है 2022 में इनको इसका सबक मिलेगा। जनता ज्यादा दिन किसी को सर पे नहीं बैठाती, अगर सर पे बैठाती है तो बहुत जल्दी जो है जमीन पे भी ले आती है। तो इनका जमीन पे आने की पूरी अब 2022 आप देख लीजिएगा, जिस तरीके से इन्होंने कोरोना काल में हरकतें करी हैं, और इंसानियत तो इनके अंदर है ही नहीं। जिस तरीके से इन्होंने गंगा में लाशें बही है, राम नामी उठवा ली, उस पर से उतरवा ली, तो ये तकलीफ देह स्थिति है। आज जनता बदहाल है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो जो महिला हो, चाहे वो किसान हो, हर वर्ग इनसे परेशान है। तो ये जब बड़ी बड़ी बातें करके सरकार बना रहे थे तो उस वक्त इनके आज वादे कहाँ गए? आज सिर्फ क्या इवेंट करेंगे, सिर्फ बैनर और होर्डिंग पे दिखेंगे? आज टीके के नाम पे होर्डिंग दिख रहे हैं, आपको टीका नहीं दिख रहा कहीं, जहां जाओ सेंटर बंद है, वैक्सीन नहीं है। तो ये क्या तमाशा बना रखा है इन्होंने, जनता को सिर्फ इधर उधर दौड़ाते रहेंगे।
चलिए ये भी सवाल किया जाए, क्योंकि आकाश जी ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। 2014 से पहले जब नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं थे, उस वक्त तमाम बड़े बड़े वादे किए गए कि हम आएंगे तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर आदमी को रोजगार मुहैया कराएंगे, जो भी बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाएगा, लेकिन उस तरह की तस्वीरें बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। आज 69,000 शिक्षक भर्ती की आज हम बात कर रहे हैं। ऐसे में हमें ये समझना भी जरूरी है कि आज जिस आरक्षण को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर वो मामला क्या है? गौरव, जिस तरह से ये आरक्षण को लेकर आपकी जो मांग है, इसको हम अपने दर्शकों को ये समझाना चाहते हैं कि आपकी जो मांग है वो किस लिए है, कौन क्या वो चीज है जो सरकार ने अपनी तरफ से की और जो नहीं करी जानी चाहिए थी। देखिए सर, ऐसा है कि ये पहली ऐसी भर्ती है सारे स्टूडेंट के गोडाउन, इन सारी चीजों को छुपा के रिजल्ट को शो किया गया। एक तरफ तो सरकार कहती है कि ट्रांसपेरेंसी हम अपनी भर्तियों में सबसे ज्यादा दिखाते हैं, और उसके बाद जो है इसका जब आप रिजल्ट निकालते हैं तो जब आपसे हम लोग उम्मीद है छुट्टी मांगते हैं तो आप मना कर देते हैं कि नहीं, हम वो नहीं दे पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जब आपके आपके अपने पार्टी के राष्ट्रीय वर्ग आयोग के माननीय उपाध्यक्ष जी हैं, जिनका नाम है लोकेश प्रजापति जी, जब हम लोगों ने उनके पास जाके गुहार लगाई, वहां धरना दिया जाके दिल्ली में जाके, तो उन्होंने हमारी बात को सुना और सारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी डीएसए लोग हैं उन सबको बुला के उन्होंने बड़े कायदे से सुनवाई की, और सुनवाई करने के बाद उसको उसका जो डेटा था उसको एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद उन्होंने जो निर्णय जो किया है, जो 6000 पद जो लगभग उन्होंने निकाले हैं कि ये जो जनरल को दे दिए गए हैं, तो ये उनका फैसला है। उन्होंने अपने सुनवाई करने के बाद इसको बताया, हम लोग ऐसा नहीं कोई आरोप लगा रहे। दूसरी बात ये कि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जनरल और ओबीसी का कट ऑफ बराबर कैसे हो सकता है। आज जनता की कोई भी भर्ती में ऐसा नहीं हुआ, वहां जहां हम लोगों को आरक्षण देना चाहिए था 27% का, वहां आरक्षण हमें केवल 3.86% का दिया गया, मात्र 26 को सीटें दी गई है। भाई जनरल की कट ऑफ आपकी 67.01 है और ओबीसी की कट ऑफ 66.73 है, इसमें अंतर आपका केवल 0.37 का। क्या 0.37 के अंदर 18,000 के आसपास सारी सीटें चली गई क्या? मात्र 26 सीटें दी हुई है। और एक तरफ आप ट्रांसपेरेंसी की बात भी करते हैं, ऊपर से अभी जो हम लोग धरना दे रहे थे एससीईआरटी में, तो जो महानिदेशक भी है उनसे जो हम लोग मिले जाके, जो हमारे 5 लोगों की टीम मेंबर की टीम जो वहां पे गई, जो हम लोगों ने ये बात रखी, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, कह दिया कि आप चाहे कुछ भी करिए हम आपको ये आपकी मूल चयन सूची नहीं देंगे। अच्छा, हम लोग अभ्यर्थी हैं सर, हम लोग कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट भी गए, वहां भी मुकदमा लड़ रहे हैं। अब आप ये बताइए, वहां भी जो हमने वकील हायर किए हैं, हम लोग अपना पैसा इकट्ठा कर करके 5-5 लाख रुपए के वकील कर रहे हैं, हमें पता हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, अगर इतना पैसा होता तो हम क्यों जॉब के पीछे पड़े होते। और वहां हम लोगों का मामला चल रहा था कोर्ट में, माननीय अधिवक्ता जी को बुलाया गया सरकार की तरफ से, वो जब भी जाते हैं वहां से डेट लेके चले जाते हैं, वहां से जो भी इनके डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, आज दिन तक इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया। और माननीय सतीश द्विवेदी जी तो जब से हम लोग ये आयोग की रिपोर्ट हमारे हाथ में आई है तब से वो सामने ही नहीं आना चाह रहे हैं, बात करना ही चाह रहे हैं, बिल्कुल कोई बात ही नहीं रख रहे हैं अपनी। अरे अगर आपने चोरी नहीं की, गलती नहीं की, तो आप आइए ना सामने बात करिए आके हमसे। हम लोग सारी जो बातें रख रहे हैं ये सारी चीजें हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षण वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, सब आएगा माननीय। गौरव, तो आपकी जो मांगे हैं वाकई में जो जिस तरह से आपने बताया कि सतीश द्विवेदी जी भी अब बात करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, अधिकारी भी आपकी नहीं सुन रहे हैं, आकाश जी ऐसे कब तक चलता रहेगा? आप तो एकदम साफ स्वच्छ भर्ती प्रक्रिया का दावा करते हैं। नहीं, निश्चित तौर पे, और मैं फिर दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, इसका साफ मानना है कि करप्शन नहीं होना चाहिए कहीं भी, कोई भी विभाग। लेकिन यहाँ पर तो साफ साफ करप्शन के आरोप आप ही नहीं, अभी 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 इन्होंने कहा, अभी जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं हम लोगों के साथ पैनल में, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के पास गए, तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग भी सरकार का ही एक अंग है और सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। नहीं तो क्या क्या है, आप बताइए क्या है वो, नहीं क्या क्या है, संवैधानिक संस्था है तो संविधान क्या सरकार से अलग होता है क्या? नहीं नहीं आप, अरे आप गजब बात कर रहे हैं, वो संविधान, आकाश जी संविधान, संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था और सरकार में फर्क है। अगर अगर कोई संवैधानिक संस्था है तो क्या वो सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं है? आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? सरकार को सरकार से पैरल बॉडी हो जाती है क्या? नहीं नहीं, जानकारी सारी समाजवादी पार्टी के लोगों को ही है। आप नहीं,
आपको जानकारी नहीं, वो काम आप लोग करते हैं। संवैधानिक संस्था क्या सरकार से अलग होती है क्या? कोई भी गौरव जी बताइए, आप ये क्या नाम है इनका, आकाश, आकाश आप बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद से आयोग का अध्यक्ष, आयोग का गठन होता है, चलिए बताइए। संविधान, मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि संविधान की बात है, संवैधानिक संस्थाएं हो, क्या वो सरकार से अलग है क्या? पार्टी के प्रवक्ता के हैसियत से बैठे हुए हैं और आप सरकार के प्रवक्ता के हैसियत से बैठे हुए, तो आपको संविधान के अनुच्छेद को बताना पड़ेगा। आपको अभी सारी जानकारी थी? नहीं नहीं, अभी आपको सारी जानकारी थी, अभी आप कह रहे हैं मैं सरकार का प्रवक्ता हूँ, सरकार के प्रवक्ता कौन है पहले पता करिए जाके, मैं संगठन की बात यहाँ पे रखता हूँ। नहीं नहीं, आपको आपको नहीं है तो चुप हो जाइए। अरे आपको सारी जानकारी है और आप मुझे कह रहे हैं मैं सरकार का प्रवक्ता हूँ? आप नहीं, आपने कैसे कहा कि मैं सरकार का प्रवक्ता हूँ? आपको क्या जानकारी है? आयोगों का गठन होता है। मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ, अभी आपने कहा कि मैं सरकारी प्रवक्ता हूँ, जब आपको यही नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता कौन लोग हैं, तो आप क्या बात कर रहे हैं? सच्चरित्रता पढ़ा दे, शुचिता पढ़ा दे, संविधान। अरे आप आप आकाश जी, आप प्रवक्ता पर मत जाइए, आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिए। निश्चित तौर पर मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ, लेकिन मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ। सरकार का प्रवक्ता अलग, जो लोग भी सरकार के प्रवक्ता हैं उनकी अलग से नियुक्ति होती है, और वो लोग हैं आप केसों से जाके पूछिए, वो सरकार के प्रवक्ता हैं। मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं, मैं संगठन की बात रखने के लिए बैठा हूँ। पार्टी का है, कह दीजिए लोक सेवा का स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का है, कह दीजिए जितने राज्यपाल है सब भारतीय जनता पार्टी के, कह दीजिए हमारे लिए तो आसानी हो जाए। नहीं तो क्या हमारे लिए आप बताइए ना, कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो देश के संवैधानिक संस्था का हिस्सा होता है, जिसको आप गाली दे रहे हो। संविधान जो है और संवैधानिक संस्थाएं जो है वो सरकार से अलग नहीं होती है, वो सरकार से ही जुड़ी होती है। अरे यार, पढ़े लिखे हो कि नहीं है पहले बताओ, संविधान के पढ़े हो क्या? कैसे चले आए बिना मतलब की आप टॉक कर रहे हैं? मैं आपसे 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 पूछ के मैं नहीं, नहीं आप गलत बात मत करिए। राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी का है, बोलिए। राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी के नहीं, वो देश के राष्ट्रपति हैं, आप मानते हैं? तब क्यों नहीं बोल रहे हैं? आयोग भी पूरे देश का होता है। तो पूरे देश का होता है तो मैं काम ना कर रहा हूँ, लेकिन जो उसमें प्रदेश का आयोग होता क्यों फिर भारतीय जनता पार्टी नहीं? तो क्या जो जो पिछड़ा पिछड़ा आयोग वर्ग था, जो जो समाजवादी पार्टी की सरकार है? नहीं नहीं, आप बात बताइए ना, संस्थाएं क्या है, और सभी ये भी जानते हैं कि सरकार क्या है। सरकार और संवैधानिक संस्था दो अलग अलग चीजें, हम गलत मुद्दे पर जा रहे हैं। कबीर जी एक चीज हम जरूर देखते हैं, सरकार चाहे कोई भी हो, कहीं ना कहीं नुकसान आम नागरिक का और अभ्यर्थियों का ही होता है, चाहे आपकी सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। ये चीजें किसी से नहीं छिपी हैं कि अगर नुकसान कोई झेलता है तो वो आम नागरिक और जो अभ्यर्थी हैं वो। पिछले चार साल से लगातार हम देखते आ रहे हैं कि 2021 में आज हम बैठे हुए हैं, लेकिन अगर भर्ती प्रक्रिया के नाम पर अगर हम देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक, मैं आपको एक मेरे पास एक कुछ आंकड़े हैं, मैं वो आपको बताना चाहूंगा। नलकूप चालक है, सिर्फ वो भर्ती प्रक्रिया इस भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार में हो पाई है UP SSC के थ्रू, वरना कोई भी ऐसी भर्ती प्रक्रिया नहीं है जो ना लटकी हो। अरे सर, मंटू जी मेरी बात सुन, समाजवादी पार्टी के सरकार में 72,000 की जो हमने वांट निकाली थी उसे भरा और कहीं विवाद नहीं। हमने यही नहीं, आपको याद होगा कि जो जो माध्यमिक शिक्षा के अंदर जो ये आपके विषय विशेषज्ञ थे, उन विषय विशेषज्ञों को परमानेंट करने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया और वो आज भी नौकरी कर रहे हैं बाकायदा। आपको याद होगा कि जब सेम वर्क के लिए सेम सैलरी होती है तो वो शिक्षा मित्र जो 10,000 पे पढ़ाता है वो लर्नेड हो जाएगा, और अगर 40,000 पाने लगेगा तो अनलर्नेड हो जाएगा। ये कौन सा तर्क है? मैं तो एक बात कह रहा हूं कि सरकार अगर चाहती तो जो शिक्षा मित्र हम लोगों ने उनको परमानेंट नौकरी दी थी, आज वो परिवार भी खुशहाल होते। 1600 से ज्यादा जो हमारे शिक्षा मित्र है उन्होंने कहीं ना कहीं अवसाद से या कहीं फांसी लगा ली, ये सारे रोज न्यूज आती है। बदले की कार्रवाई किसी भी सरकार को नहीं करना चाहिए, और योगी सरकार ने आज यही कहा। 5,00,000 नौकरियां मैं बकायदा डिपार्टमेंट के साथ बता सकता हूं कि कब वैकेंसीज निकली और कब हमने हायर की और कब हमने निकाल दी। अब आप सोच लीजिए, हमारे समय की 16,000 भर्तियां ये फरार रखे क्योंकि इन्होंने जाट बैठाई थी।
डबल विजिलेंस की जांच ये करा चुके, उसके बाद भी जब उसमें खामियां नहीं पकड़ी गई, फिर भी ये ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे हैं कोषागार लिपिकों के लिए। अब आप बोलिए इसमें समाजवादी पार्टी का दोष कहां है? हमारे ऊपर जो ये आरोप लगाते हैं वो सिर्फ ये लगाते हैं कि हमारे समय में एक जाति विशेष के लोगों को ज्यादा भरा गया। मैं वो भी कहता हूं कि ये गलत आरोप लगाते हैं। आज आप देखिए दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के अंदर 12 प्रवक्ताओं की नौकरी थी जिसमें 10 क्षत्रियों को मिली है, इसी तरीके से बांदा के अंदर मिली है। मैं तो पूरा रिपोर्ट कार्ड भेज दूं। आप बताइए सतीश द्विवेदी जी जो इन बच्चों की बात नहीं सुन रहे, अपने भाई के लिए फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिए 419/68/68 के मुंडी हो गए और उसके बाद उसकी नियुक्ति करा दी कहां पर? सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय। अब आप देखिए उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और इनकी सरकार अभी भी जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। ये भाई भतीजावाद नहीं है क्या? ये भाई भतीजावाद नहीं है क्या? सतीश द्विवेदी जी ने अपने भाई को EWS कोटा यानी कि इकोनॉमिकल वीक सेक्शन में अपने भाई को प्रवक्ता बनवा दिया। पहले तो इनको जनता को गुमराह करना बंद करना चाहिए। शिक्षा मित्रों की इन्होंने बात की, शिक्षा मित्रों पे जो आपकी सरकार का फैसला था उसको कोर्ट ने पलटा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं पलटा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा मित्रों के साथ खड़ी थी और हमने उनका मानदेय बढ़ाया। उनको 3500 रुपए मानदेय मिलता था, हमने 10000 रुपए मानदेय दिया। क्या बात करते हैं आप? हम कह रहे हैं कि जितने शिक्षा मित्र हैं 2022 में जब हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनने के एक महीने के अंदर एक विधेयक ला करके उसको परमानेंट किया जाएगा। अरे आप सारी आप कुछ नहीं करेंगे। आप लोग 50 सीटें नहीं जीत पाएंगे इस उत्तर प्रदेश की चुनाव में 22 में। आपकी मंशा और आपका काम दोनों उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। समाजवादी पार्टी की सरकार, अरे समाजवादी पार्टी को जवाब जनता दे चुकी है और 2022 में दोबारा फिर जवाब मिलेगा। आपको जवाब 2017 में भी मिला, 2019 में भी मिला और 2022 में भी मिलेगा। आप तो उत्तर प्रदेश में योग्य युवकों का ही अभाव बता रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप करेला बोलो, आप अरे भाई आपके उत्तर प्रदेश के आपके समाजवादी पार्टी के संरक्षक तो बलात्कार के आरोपियों को कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। किस प्रकार की बात कर रहे हैं आप? ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता इस प्रदेश को, इस प्रदेश को ऐसे मुख्यमंत्रियों की भी आवश्यकता नहीं है जो बलात्कार के आरोपियों को ये कहें कि लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है। 2000 हिंदुओं को आपका आपको जवाब जनता दे चुकी है और दोबारा 2022 में देगी। आपकी उत्तर प्रदेश में 50 सीटें लाने की क्षमता नहीं बची है। हम बार बार गायब हो जाता है और लगातार अरे हिंदू हिंदू विरोधी कौन है? यह उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको बताया है। आप लोग गांव गांव में कब्रिस्तानों की बाउंड्रियां बनवाते थे, ये उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है। ईद पे और रमजान पे आप बिजलियां देते थे 24 घंटे और दीपावली में और होली में लोगों को बिजली नहीं मिलती थी। चंपत राय मान लेके, अरे 2014 का चुनाव जब आप लोग हारे लोकसभा का, तो आपने सिर्फ 5 जिलों में बिजलियां दी जहां पे आपको 5 सीटें मिली थी। छोटे बच्चों को बरगला के अपराधी बनाने वालों सतर्क हो जाओ, क्योंकि अरे राम भक्तों पे गोलियां चलवाने वाले रामद्रोहियों से हमें नहीं सीखना है। इनका मुखिया 302 का मुंडी होगा, क्या होगा? राम भक्तों पे गोलियां चलवाने वालों से हमें नहीं सीखना है। हमारे दोनों ही मेहमानों का ऑडियो डाउन कीजिए और मुझे स्क्रीन पर लाइए, क्योंकि हम आज चर्चा 69,000 शिक्षक भर्ती और बेरोजगारी को लेकर कर रहे हैं। हम अगर सवाल जवाब करते हैं तो आप उसका उत्तर दीजिए कि आखिर आपसे सवाल क्या किया जा रहा है। आकाश राय जी, बेरोजगारी दर का बढ़ना आज हर कोई जानता है कि जब से कोरोना काल आया है उसके बाद बेरोजगारी दर जिस तरह से बढ़ी है, जिस रफ्तार से बढ़ी है, वो किसी से छिपी नहीं है। बेरोजगारी दर बढ़ रही है, अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिलेगा? नहीं, निश्चित तौर पे कोरोना जो वैश्विक महामारी है उससे सभी लोग प्रभावित हैं, पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व प्रभावित है और समस्याएं बढ़ी हैं, इसको भी हम मान रहे हैं। हम इसको झुठला नहीं सकते क्योंकि इतने दिन लॉकडाउन में चले गए, देश की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ा, नुकसान तो हुआ ही है। हम कहाँ उससे हट रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि नहीं नुकसान हुआ है, लेकिन चीज़ों को ढर्रे पे लाने का काम भी जो लोग सरकार में बैठे हैं वो उसके लिए प्रयासरत हैं। और इसीलिए पूज्य मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि जितने भी विभागों में जो पद रिक्त हैं उनको जल्दी से जल्दी हम भरेंगे और उस पर सरकार काम कर रही है और बहुत जल्द जो भी पद खाली है जिन जिन विभागों में उसको काम करेंगे। कोरोना 2020 में आया था जी। रफत जी कुछ कहना चाहती हैं? रफत जी बताइए। बिल्कुल
मेरा कहना ये कि ये तो मुद्दे को डिरेल कर देना, बिल्कुल पूरी तरीके से मुद्दे को इधर उधर भटका देना। मुद्दे जब नौजवानों की बेरोजगारों की बात होती है तो ये लोग ऐसे ही इधर उधर भटकाते हैं मामला। आप ये इनसे पूछिए कि ये पूरी तरीके से सुनिश्चित करें कि ये न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ शर्म बाकी है नहीं बाकी है इनके उप मुख्यमंत्री में, बताइए आकाश जी न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने तो शुरुआत में ही अपने वक्तव्य के शुरुआत में ही मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को समर्पित सरकार है और न्याय मिलने की जो बात है तो निश्चित तौर पर न्याय होगा। राज्य पिछड़ा आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की आपकी सरकार ने उसका अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? नहीं, निश्चित तौर पे जो भी रिपोर्ट आई है उसका सरकार ने संज्ञान लिया और उसका जवाब दिया जाएगा। और ये चीजें जो आप पूछ रहे हैं ये टेक्निकल बातें हैं, इसका बेहतर जवाब सरकार के प्रवक्ता के लोगों से आप पूछिए। मैं संगठन की बात करने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। आपने जिस विषय पे मुझे बुलाया मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ सबके साथ खड़ी है और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। ये नहीं चाहते कि उनको नौकरियां मिले, वो बराबरी का हिस्सेदारी बने, इस्तेमाल करना जानते हैं दलितों पिछड़ा वर्ग अधिकारों के हमारे साथ अभ्यर्थी गौरव जुड़े हुए हैं। गौरव, आप लगातार करीब जब से राज्य पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट आई है तब से मैं ये देख रहा हूँ कि तमाम तरह की चीज़ें खबरों में भी आ रही हैं और तमाम तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। आपने क्या कुछ प्रयास किए, आप लोगों की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए गए? पहले हमारी जो समस्या है सर उसका समाधान करेंगे। ये सर ये राजनीति का चलती रहेगी और हमेशा चलेगी, ये सब जो चल रहा है ये चलता रहेगा सर। हम लोग इतने परेशान हैं, हमारे साथ के जो स्टूडेंट है उनके साथ सर मारपीट हुई है, उनका सर फोड़ दिया गया है, किसी के पैर में चोट लगी है सर। मेरी समस्या तो सुनिए, ये राजनीति तो चलती रहेगी। मैं माननीय आकाश राय जी से कहना चाहता हूँ सर, आप ये जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई सर इसको ले लेके हम लोग, ऐसा कोई मंत्री नहीं है, ऐसे कोई मंत्री जी नहीं है, ऐसे कोई अधिकारी नहीं है जिनके पास हम लोग गए नहीं है, लेकिन हमारी पूरी सुनवाई नहीं हुई। तो सर आप इसका सॉल्यूशन निकालिए, आप इसको बताइए। दूसरी बात सर, पिछली सरकार का हमें क्या लेना देना? अगर पिछली सरकार इतनी अच्छी होती तो सर आपको मौका हम क्यों देते सर? सवाल ये है कि अगर पिछली सरकार ने अगर काम किया होता तो शायद आप सत्ता में नहीं होते, पिछली सरकार ही दोबारा रिपीट करती। अगर आपको ये मौका दिया गया कि आप जनता की सेवा करें तो फिर ऐसे स्थिति में क्यों उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं? क्यों सरकार का कोई मंत्री या सरकार का कोई भी व्यक्ति क्यों छात्रों से बात करने को तैयार नहीं है? मंत्री जी से अगर हम लोग बात करते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, तो वो उनके पास केवल एक ही टॉपिक है, एक ही बात कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं किया जा रहा है, जो कुछ है वो सॉफ्टवेयर है। अरे मंत्री, ये दूसरे सॉफ्टवेयर कहाँ से पैदा हो गया कहीं से, क्या बनाया तो किसी इंसान ने होगा इसको? एक ही बात कहते हैं कि सॉफ्टवेयर सुधार। अरे भाई, सॉफ्टवेयर तो आप ही के अधिकारियों ने बनाया है ये, और अभी जो 6,600 जो थर्ड काउंसिल हुई है उसमें तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। उस समय वो सॉफ्टवेयर फाइट क्यों नहीं कर रहा था? फाइट क्यों नहीं कर रहा था? अब फाइट क्यों कर रहा है? संवाद नहीं करना चाहते, लोगों को पीटने के। एक एक करके बात करिए। गौरव रुकिए, रफत जी नहीं, आज जिस तरीके से अभी गौरव बता रहे कि सही बात है, उन्होंने पिछली सरकार को अगर नहीं लाया है, कोई नई सरकार बनाई है तो कुछ चीजें उन्होंने सोची होंगी, कुछ नए बदलाव आएंगे, कुछ आगे के जो है चीजें चेंज होंगी। लेकिन आज जिस तरीके से तानाशाही भरा रवैया है, जिस तरीके से तानाशाही हो रही है, ना संवाद होता है और ना बातचीत के माध्यम से कुछ हल हो रहा है। अगर इनको इतने ही जो संवाद की बात होती तो ये स्थितियां ना पैदा होती। लगातार ये बात चल रही है कि वो भर्तियों के लिए लोग लगातार सड़कों पर हैं, लेकिन ये हर बार शिक्षा मित्रों की बात हुई तो मुंडन कराना पड़ गया था इको गार्डन में, वही महिलाओं ने पूरा मुंडन कराया, इनको बार बार चेतावनी दी कि हम ये आत्मदाह कर लेंगे मुंडन, लेकिन कहीं कोई बातचीत नहीं। आज किसान आकाश जी, एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं यहाँ पर उठाना चाहूंगा। हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं, कपीश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से रफत जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अभ्यर्थी गौरव जुड़े हुए हैं। आकाश जी, अगर हम जब भर्ती प्रक्रिया की बात करते हैं उसमें तमाम तरह की चीजें आती हैं, कभी ये आता है कि गुणांक की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, कभी आता है गलत उत्तर की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। अगर एक गलत उत्तर किसी अधिकारी द्वारा वहां पर
रखा जाता है, तो क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि उस अधिकारी को भी एनएसए के तहत जेल में डाला जाए, जिस तरह से आप तमाम और लोगों को एनएसए के तहत जेल में डाल देते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, लाखों अभ्यर्थी हैं जो सिर्फ गलत उत्तर की वजह से आज नौकरी नहीं पा पा रहे हैं। नहीं देखिए, अगर कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट आती है या सॉफ्टवेयर की कहीं कोई गलती होती है तो उसको भी सुधारा जाता है, और अगर कोई अधिकारी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये साफ मानना है कि छोटा से छोटा अधिकारी हो या बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, अगर उसने कहीं कुछ गलत किया है तो उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, उसके खिलाफ हम FIR भी करते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। हमारा साफ मानना है कि सबके साथ कोई भी हो, सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थियों की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, किसी के साथ भी अगर कहीं कोई अन्याय होता है तो उनको न्याय देने का काम सरकार का होता है, और उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो ये काम बखूबी कर रही है, और इसीलिए जनता का प्रेम हमको बार बार मिल रहा है। इन्होंने बार बार तरह तरह के मुद्दे उठाए, 2014 में इनको सबक मिला, 2017 में कई प्रकार की बातें इन्होंने की तब भी इनको सबक मिला, 2019 में किया तब भी इनको सबक मिला, 2022 में फिर चुनाव आ रहा है और जनता इनका जवाब देगी। मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोगों को जवाब जनता खुद देगी। कपीश जी, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, फिर चूक कहाँ रह जाती है? नहीं देखिए, मुंह से बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो पूछ रहा हूँ भाई बताओ, जिसने चार गलत आंसर दिए थे उस अधिकारी का आपने क्या किया, कितना FIR लिखवा दिया जरा बता दीजिए। तो ये सब हवा हवाई है, ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर ही हवा हवाई। और मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूँ, पिटवा रहे हो आप बच्चों को, आप हाथ पैर तोड़वा रहे हो उनका, सरकार आपकी चल रही है 4.5 साल से, आप उनको नौकरी नहीं दे पा रहे हो और उनका पैसा बर्बाद करा रहे हो फार्म भरवा के। अच्छा, आपको याद होगा कि ऐसे ही महिलाओं ने भी इनके विरुद्ध किया था, आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री थी, उन्होंने अपना बाल तक मुंडवा लिया था, लाठी भी पड़ा था, सर खुल गया था, आपको याद होगा, हॉस्पिटल में भर्ती थी तीन महिलाएं भर्ती थी जिनका सर खोल दिया था आदरणीय योगी जी ने, यत्र नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता वालों ने, ये लोगों ने सर खोल दिया हमारी बहनों का, और उनके बाल छिलवा लिए उन्होंने, कि योगी जी ने क्या कहा, उनके कर्म ही ऐसे थे कि उन्होंने बाल छिलवा लिए और स्वयं छिलवा के बैठते हैं। तो अब इन लोग का हम क्या कहें, ये जवाब 2022 में हमारी देश की जनता को देना है, प्रदेश की जनता को देना है, यही नौ युवक देंगे जिनका हाथ पर ये तोड़ रहे हैं। भाई अगर हमने अच्छा काम नहीं किया और आपने वादा किया कि हम 5 साल में ये काम करेंगे, तो उसके लिए आप पुरानी सरकार क्यों दोषी दे? आप संकल्प पत्र में कहे होते कि हमको 15 साल चाहिए पहले कि हम समाजवादी पार्टी के किए गए गड्ढे को भरेंगे, उसके बाद हम जो है आपको नौकरी देंगे, तो आप मत जाते पीछे, आप शपथ लेके आ रहे हो कि 5 साल में ये काम करेंगे, कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गड्ढे हुए थे। मैं तो आपको साधुवाद देता हूँ कि कम से कम आपने ये बात माना, आपने कम से कम ये बात स्वीकार किया इस चैनल पे, हमारे पास थोड़ा समय कम है, बस कमी है, और मैं अब सभी मेहमानों को मौका देना चाहूंगा। रफत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। रफत जी, आज की स्थितियाँ किसी से छिपी हुई नहीं है, मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा, आज की स्थितियां किसी से छिपी हुई नहीं है, आखिर कब तक ये अभ्यर्थी इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे? देखिए, कांग्रेस जिस तरीके से ये अभ्यर्थी सड़कों पे, हम लोग इनकी आखिरी दम तक हम इनके साथ खड़े हैं, उनकी लड़ाई में हम लोग सहभागिता निभाएंगे, पूरी तरीके प्रतिबद्ध है, क्योंकि अगर कोई भी अगर जो है इस विपक्ष की भूमिका में है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। हर मुद्दे पे जो है प्रियंका जी मुखर होकर बोल रही हैं, चाहे वो महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती का हो, चाहे पुलिस भर्ती का हो, तो आज कांग्रेस हर तरीके से इनकी लड़ाई में बराबर की सहभागिता निभाएगी, और भाजपा का जो अंत होगा वो आप खुद देखिएगा, हम सब देखेंगे। जिस तरीके से इसने जनता को बदहाली मिला दिया है, जिस तरीके से आज दर्द, इन लोग का दर्द देख के मुझे बहुत तकलीफ हुई जब हमने टीवी पे देखा कि किस तरीके से इनको जो है लाठियां पड़ी हैं, और लड़कियों को, औरतों को नहीं, जिस सम्मान की बातें करते हैं, महिलाओं के सम्मान की, लेकिन आज महिला सम्मान के नजारे हम लोग देख रहे थे कि बाल पकड़ के खींच रहे हैं महिलाओं को। तो ये तरीके जो है किसी भी सरकार के, जो भी चीजें होती, विकास की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, लेकिन विकास के नाम पे अगर लोगों को ठगा जाएगा तो जनता भी जवाब देना जानती है। वाकई में विचलित भी करती हैं और तमाम सवाल भी खड़े करती हैं। आकाश राय जी, फाइनल कमेंट। नहीं, निश्चित तौर पे अभी जो रफत जी ने बात कहा, मैं
इनको बताना चाहूंगा, शायद ये भूल गई हैं कि उत्तर प्रदेश में इनकी हैसियत पांचवें नंबर की पार्टी की है, ये चौथे नंबर की भी पार्टी नहीं है। आप फिर मुद्दे से भटका ले गए, अब हम आपसे बात नहीं करेंगे। भटका नहीं रहा, आवाज डाउन कर दीजिए आकाश भाई जी की। उसी का जवाब दे रहा हूं, मैं फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। किस तरीके से जनता बताएगी, आप अपनी नैया बचाएंगे? रफत जी, जो मैं बहुत सीधी सी बात ये कह रहा हूँ कि हिमांशु जी, बहुत सीधी सी बात यही है कि जब पांच साल में आपकी सरकार चली है तो आपका वादा था, आपको देना चाहिए था। और कम से कम अगर आपकी अपनी तमाम कमियों के वजह से वो 67,000 भर्ती फंसी, जितने हो गए क्लियर उनको क्लियर कर दिए होते, आयोग की चीजें जब सामने आ गई है तो उस पर कार्रवाई कर लिए होते। कोई आपको अपने जेब से कोई ना नौकरी देनी है ना वेतन देना, भारतीय जनता पार्टी को अपने फंड से थोड़ी देना, वो तो टैक्स पेयर से जिस तरीके से चलती है सरकारें, वो सरकार देती है, वो राजस्व के उससे दिया जाता है, राजस्व पे बोझ होता है सरकारी वेतन जो होता है, तो इनको अपने जेब से देना नहीं है। और आप लाठी मार रहे हो, आप उनको तोड़ रहे हो, आप ये कह रहे हो कि योगी लोग को अभाव हो गया, तो ये योगी सरकार खुद पहचान ले। हम तो ये कहते हैं हमें वोट मत दिलवा दो, युवाओं का वोट आप ले लो, बेरोजगारों का वोट आप ले लो, उनको नौकरी दे, समाजवादी पार्टी बहुत खुश हो जाएगी अगर आप उनको नौकरी दे दे। गौरव, फाइनल कमेंट, आपकी आपकी क्या मांग है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय जो अभी जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है, मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी गलतियाँ हुई हैं कृपया करके जो है इसको कैसे भी करके इसको आप सही करिए और हम लोगों का सुंदर समझिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इलेक्शन टाइम चल रहा, हम लोग भी फिर इसी चीज पे आ जाएंगे कि हमको भी हमको भी यही सरकार बनाती है। ये चीज जो है माननीय जी को बताना चाहूंगा, माननीय आकाश जी को बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे साथ गलत करेंगे तो हम भी नहीं पूछेंगे। और सतीश जी से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर अपोजिशन में है तो आप भी प्लीज हमारा मुद्दा उठाइए, आपकी तरफ से बिल्कुल ना के बराबर उठाया जा रहा मुद्दा। एक दो लोग केवल सोशल मीडिया पे कमेंट वगैरह कर देते हैं, बाकी कोई भी नहीं आ रहा, बिल्कुल भी किसी तरीके की कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। और इस तरीके से आप इलेक्शन लड़ेंगे, मुझे नहीं लगता हम लोग सपोर्टेबल होंगे आपको भी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे साथ आए और इस चर्चा में जुड़े। लबो लुआब पूरे चर्चा का यही है कि अगर हमारी सरकारें अभ्यर्थियों को और जो भी बेरोजगार लोग हैं उनकी तरफ नहीं देखती हैं तो शायद आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा भयानक और विकराल तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जनता जो आपको सत्ता में लेकर आती है वो आपको उखाड़ फेंक भी सकती है। जान की हमने बात की, 2020 में कोरोना था, जान की बात बहुत हो गई, लेकिन अब बात जहान की है, और जहान की शुरुआत रोटी कपड़ा और मकान से होती है। रोटी कपड़ा मकान कहाँ से आएगा? इंसान पैसे से करेगा। पैसा कहाँ से आएगा? नौकरी से। तो नौकरी इंसान को देनी होगी, और अगर सरकार नौकरी की तरफ ध्यान नहीं देगी तो शायद 2022 में और आने वाले 2024 में भी जनता जवाब जरूर देगी। धन्यवाद।